धार जिले के श्री राजेंद्र सूरी शाख सहकारी बैंक के समस्त पीड़ित खाता धारकों की आवश्यक बैठक रणछोड़ मंदिर में सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर पाटीदार के सानिध्य में आगामी कार्यवाही को लेकर संपन्न हुई। बैठक का संचालन रितेश काबरा ने किया। विभिन्न शाखा स्थलों पर अब तक हुई बैठकों में पीड़ितों के बैंक के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश दिखा। पीड़ित खाता धारक आगामी समय में बैंक से अपना पैसा जल्द वापस प्रशासन से दिलवाने की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के लिए एकजुट हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर पाटीदार ने बताया कि हजारों पीड़ितों से करोड़ों रुपये फंसे होने के लोगों का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन को होश में लाने के लिए हम सभी पीड़ित लोगों के साथ बैठक कर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज बाग के अलावा अन्य कई स्थानों पर जैसे राजौर, दसाई, बिड़वाल, कड़ौत कला, छोटा नागदा में भी बैठक लेकर सभी चर्चा की और आगामी धरना प्रदर्शन पर लेकर ठोस कार्यवाही करना तय किया गया है। बाग से संजय देवपाले की रिपोर्ट। आपके कितने पैसे जमा बैंक में? 1,00,000। तो अभी मिले कि नहीं मिले पैसा आपको? भी नहीं मिला। तो किसी काम के लिए जमा किए थे कि? बच्चे की पढ़ाई के लिए सिलाई कर के पैसे जमा कर। तो आप बैंक गए थे तो क्या बोला बैंक में? पैसा नहीं है अभी, क्योंकि वसूली नहीं हो रही हमारी। लोन दिया तो लोन नहीं मिल रहा हमको, कैसे दिया आपको? क्या नाम है भाई आपका? भारत। कहाँ रहते हो? रायसिंहपुरा। 183,000 है। आपने काई वासे जमा करे थे पैसे? अरे सर, हम दाढ़ की कर करके रखे थे। क्या काम में लेने वाले? छोरे के शादी करने के लिए रखे थे। तो क्या बोल रहे तुम बैंक गए थे तो? सर वो दे नहीं रहा अभी, देंगे करके दिया नहीं मेरे को पैसा। बैंक में ताला लगे लगे? बैंक खुली है? खुली थी। अभी गए थे, क्या हुआ? अभी बंद है। बंद है? हाँ। तो कोई जवाबदार आदमी नहीं बैठा? कोई नहीं है वहाँ पे, तो कोई नहीं मिल रहा। तो फिर आपने क्या करा आगे? कहीं नहीं करा सर, हम गरीब आदमी कहाँ पे दौड़ा, किसको पूछा यार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।